आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरी वन यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एन एल्किन ऑन विगरस ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम पर मैगनेट गिवज ओनली प्रोपेनोइक एसिड द एल्किन इज सो यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं चार एल्किन कंपाउंड की फॉर्म में हमें वो एल्कि इन कंपाउंड यहाँ पे फाइंड आउट करना है जिसके जब हम यहाँ पे विगरस ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे विद पोटेशियम पर मैगनेट्री रिएजेंट तो ये हमें सिर्फ यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड कंपाउंड का जनरेशन करवाएगा अगर हम यहाँ फर्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास ब्यूट वन इन कंपाउंड दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो सी एच थ्री सी एस टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू तो ये हमारा ब्यूट वन इन कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो जाता है अब इसकी हमें यहाँ पर रिएक्शन परफॉर्म करवानी है पोटेशियम पर मैग्नेट रि के साथ जो कि हमारा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजिंग एजेंट होता है मतलब ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन करता है और जब ये एल्कीन कंपाउंड के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है तो सबसे पहले एल्कीन कंपाउंड को सिस डायोल कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडाइज़ करता है जिसका अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो सी एस थ्री सी एस टू सी एच ओ एच सी एस टू ओ एच तो ये हमारा सिस डायोल कंपाउंड जनरेट हो गया अब क्योंकि हमें यहाँ पे विगरस ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करनी है विद पोटेशियम पर मैगनेट तो सिस डायोल कंपाउंड की हम यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे विथ पोटेशियम पर मैगनेट तो अब हमारा जो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है वो यहाँ पे टूट जाएगा और इसकी जगह पे दो कार्बोनल कंपाउंड जनरेट होंगे मतलब यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन के बेसिस पे हमारा यहाँ पे दो कार्बोनल कंपाउंड जनरेट होंगे तो लेफ्ट में हमारे पास तीन कार्बन आइटम की चेन है तो तीन कार्बन आइटम का एक कार्बोनल कंपाउंड जनरेट हो जाएगा और राइट में हमारे पास एक कार्बन आइटम की चेन है तो एक कार्बन आइटम का कार्बोनल कंपाउंड जनरेट होगा मतलब यहाँ हमारे पास एक प्रोपेनल कंपाउंड जनरेट होगा एक हमारा यहाँ पे मिथेनल कंपाउंड जनरेट हो जाएगा जिसका हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाते हैं अब इनकी हमें यहाँ पे विग्रस ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करनी है मतलब अगर हम यहाँ पे फॉर्मेलिटी कंपाउंड और प्रोपेनल कंपाउंड की रिएक्शन परफॉर्म करवाए पोटेशियम पर मैगनेट रिएजन के साथ तो जब हम यहाँ पे फॉर्मेलिहाइट कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम पर मैगनेट के साथ तो ये यह यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज कर देता है बट अगर हम यहाँ पे प्रोपेनल के रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे विथ पोटेशियम पर मैगनेट तो ये हमें आफ्टर द रिएक्शन एक कार्बोक्सलिक एसिड कंपाउंड जो कि हमारा यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड कंपाउंड की फॉर्म में जनरेट हो जाता है इसका मतलब हमारा जो ये एल फंक्शन ग्रुप है वो यहाँ पे कार्बोक्सलिक एसिड फंक्शन ग्रुप के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है जब यहाँ पे हम प्रोपेनल कंपाउंड के रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं पोटेशियम पर मैगनेट रिएजन के साथ और क्योंकि हमारा यहाँ पे ओनली प्रोपेनोइक एसिड कंपाउंड जनरेट हो रहा है और साथ में साइड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जनरेट हो रहा है तो इस वजह से कह सकते हैं कि ये एल्कीन हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि जब इसकी हम यहाँ पे विगरस ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हैं विथ पोटेशियम पर तो ये हमें सिर्फ प्रोपेनोइक एसिड कंपाउंड का जनरेशन करवा रहा है सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास ब्यूट टू इन कंपाउंड दिया हुआ है अब इसकी भी अगर हम यहाँ पे रिएक्शन कंसिडर करें तो सबसे पहले इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर कर लेते हैं तो ये सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एस थ्री तो ये हमारा ब्यूट टू इन कंपाउंड स्ट्रक्चर हो गया अब इसकी जब हम यहाँ रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे पहले पोटेशियम पर मैगनेट के साथ तो ये भी हमें यहाँ पे सिस डायोल कंपाउंड का जनरेशन करवाएगा जिसका हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाएगा और इसकी अगर हम यहाँ फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे पोटेशियम पर के साथ तो हमारा जो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो टूट जाएगा और हमारे पास दो कार्बनल कंपाउंड जनरेट होंगे और कार्बनल कंपाउंड के लिए लेफ्ट साइड में हमारे पास दो कार्बन आइटम की चेन है राइट साइड में भी दो कार्बन आइटम की चेन है मतलब यहाँ हमारे पास आफ्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जनरेशन होगा टू इक्विलेंट ऑफ एसिड एल डी का अब इस एसिड एलडियाइट कम्पाउंड के हम यहाँ पे जब फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे पोटेशियम पर मैगनेट रिएजन के साथ तो हमारा जो एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है वो, वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे जनरेशन होगा टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड कंपाउंड का बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एसिटिक एसिड कंपाउंड जनरेट हो रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वो एल्कीन चाहिए जो सिर्फ हमें यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड कंपाउंड जनरेट करवाए जो कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा इस वजह से ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास टू मिथाइल प्रोटीन कंपाउंड दिया हुआ है अब इसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो इसके अंदर ये हमारा सी एस थ्री कार्बन सी एस थ्री डबल बॉन्ड सी एस टू तो ये हमारा टू मिथाइल प्रोटीन कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो गया अब इसकी जब हम यहाँ पहले रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे पोटेशियम पर मैगनेट के साथ तो हमारा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो सिर्फ स्टायोल कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा जिसका अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो सी एस थ्री कार्बन सी एस थ्री सी एस टू और ये हमारा सिस डायोल फंक्शन ग्रुप अब इसकी अगर हम यहाँ पे फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे पोटेशियम पर मैगनेट्रिएजन के साथ तो हमारा जो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो यहाँ पे टूट जाएगा और हमारे पास दो कार्बनल कंपाउंड जनरेट होंगे और कार्बनल कंपाउंड के लिए अगर हम यहाँ पे कार्बन आइटम की चेन कंसिडर्ट करें तो लेफ्ट साइड में सी एस थ्री कार्बन सी एस थ्री है और राइट साइड में हमारे पास सी टू है मतलब एक हमारा कार्बोनल कंपाउंड यहाँ पे एसीटोन कंपाउंड जनरेट होगा जिसका हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाता है और एक हमारा यहाँ पे कंपाउंड जनरेट होगा फॉर्मेलिटी जिसका हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाता है अब क्योंकि पोटेशियम परमैग्नेट के रिएक्शन हमें यहाँ पे विगरस कंडीशन में करवानी है तो जब हम यहाँ पे एसिटोन कंपाउंड के रिएक्शन फर्दर परफॉर्म करवाएंगे पोटेशियम पर मैग्नेट रिएजन के साथ तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन होने के बाद हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड जनरेट हो जाएंगे और ड्यूरिंग द रिएक्शन हमारा ये बॉन्ड या फिर ये बॉन्ड दोनों में से एक बॉन्ड टूट जाएगा और हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड जनरेट होंगे तो एक हमारा यहाँ पे कंपाउंड जनरेट होगा एसिटिक एसिड और एक हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट जनरेट होगा फॉर्मिक एसिड ये हमारा प्रोडक्ट तब जनरेट हो रहा है जब हम यहाँ पे बहुत ही विगरस ड्रास्टिक कंडीशन यूज़ कर रहे हैं और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड के फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवाए पोटेशियम पर मैगनेट्रिएजन के साथ तो ये हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल जनरेट करवाता है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड कंपाउंड जनरेट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे हमारे पास एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड कंपाउंड जनरेट हो रहा है इस वजह से कह सकते हैं कि ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास प्रोपीन कंपाउंड दिया हुआ है अब इसका अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हमारा सी एस थ्री सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू तो ये हमारा प्रोपीन कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो गया अब इसकी जब हम यहाँ रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे पोटेशियम पर मैगनेट के साथ तो ये भी हमें यहाँ पे सबसे पहले जनरेशन करवाएगा सिस डायोल कंपाउंड का जिसका हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाता है अब इसकी जब हम यहाँ फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे पोटेशियम पर मैगनिट के साथ तो हमारा ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो यहाँ पे टूट जाएगा और इसकी जगह पे दो कार्बनल कंपाउंड जनरेट होंगे और इसके लिए अगर हम यहाँ पे कार्बन एटम की चेन कंसिडर करें तो लेफ्ट साइड में हमारे पास दो कार्बन एटम की चेन है राइट साइड में एक कार्बन एटम की चेन है मतलब एक हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट जनरेट होगा एसिटेलिडी जिसका हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाता है एक हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट जनरेट होगा फॉर्मेलिडी जिसका हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाता है अब इन दोनों की जब हम यहाँ फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे पोटेशियम पर मैगनेट रिएजन के साथ तो हम फॉर्म एलडीहाइट कंपाउंड यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर और हमारा एसिड एलडीहाइड कम्पाउंड के अंदर जो एलडीहाइट फंक्शन ग्रुप है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप के अंदर मतलब यहाँ हमारे पास जनरेशन हो जाएगा एसिटिक एसिड कंपाउंड का बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे वो एल्किन चाहिए जो हमें आफ्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोपेनोइक एसिड कंपाउंड का जनरेशन करवाए बट यहाँ पे हमारे पास एसिडिक एसिड कंपाउंड का जनरेशन हो रहा है इस वजह से ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है सो so, चार ऑप्शन कंसिडर करने के बाद जो एल्कीन कंपाउंड आफ्टर विगरस ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद पोटेशियम पर मैगनेट सिर्फ प्रोपेनोइक एसिड कंपाउंड जनरेट कर रहा है वो ऑप्शन नंबर वन में प्रेजेंट है जो कि हमारा ब्यूट वन इन कंपाउंड है सो ऑप्शन वन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन थैंक यू होप यू लाइक इट ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता है आज डाउनोड करे डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर